इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण आपका एक सेशन है फीफा वर्ल्ड कप का, इसमें आपका स्वागत है। और ये आज हम करेंगे पूरा जितने सवाल इसमें बन सकते हैं। फीफा की फुल फॉर्म पहले फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बच्चों इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ज्यूरिख नाम से भी कहीं कहीं लिखा सकता है, वही की बात है। और अलग अलग क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है उसकी, ठीक है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अध्यक्ष इसके जियानी इन्फेंटिनो। और ये पहली बार खेला गया था 1930 में। कहां पे खेला गया बच्चों? उरुग्वे में खेला गया था। और तब इसे जीता भी उरुग्वे नहीं था, ठीक है। उरुग्वे ने ही तब इसे जीता भी था बच्चों, ठीक है। तो फीफा की फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 1930 में खेला गया और 1930 में इसका आयोजन कहां किया गया था बच्चों? उरुग्वे में। तब इसका विजेता भी कौन था? उरुग्वे था। कौन था? उरुग्वे ही बच्चों इसका विजेता था, ठीक है। कितने वर्ष के अंतराल में खेला जाता है? तो आपको पता है ये 4 वर्ष के अंतराल में खेला जाता है। तो अभी 2022 से पहले कब खेला गया होगा? 18 में खेला गया होगा। कब बच्चों? कब 18 में? कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? 18 में इसका 21वां था बच्चों। और तब ये रूस में खेला गया था, ठीक है, रूस में। और तब विजेता था फ्रांस। कौन था बच्चों? फ्रांस विजेता था। तब फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। इसको फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा कि 2026 में जो 23वां संस्करण होगा वो कहां होगा? तो 3 देश मिलकर करेंगे बच्चों, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा 3 देश करेंगे, तीनों पड़ोसी देश हैं। तीनों में ये होने वाला है अगले साल, ठीक है। तीनों में ये होने वाला है अगले साल, मतलब अगली बार, ठीक है, अगली बार बच्चों। जल्दी से आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। ये इसका आयोजन कहां हुआ? कतर में हुआ। कहां बच्चों? कतर में हुआ, ठीक है। उद्घाटन अल बायत स्टेडियम में। कहां? अल बायत, अल बायत। और बच्चों फाइनल मैच खेला गया लुसैल स्टेडियम में। कहां? लुसैल। तो आयोजन कतर में हुआ, उद्घाटन अल बायत स्टेडियम में, लुसैल स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया बच्चों। शुभंकर था लाइव, ठीक है। लाइव इसका क्या है? शुभंकर, यानी कि बच्चों मैस्कट क्या है इसका? लाइव है, ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य जिसे मोटो भी कह देते हैं कभी, ठीक है, मोटो जो है इसका नाउ इज ऑल, नाउ इज ऑल इसका मोटो है बच्चों, ठीक है। नाउ इज ऑल इसका मोटो है। फुटबॉल गेंद को जो नाम दिया गया था बच्चों अल रिहला, अल रिहला नाम दिया गया था फुटबॉल की गेंद को, जिसका मतलब होता है एक यात्रा, है ना। गेंद यात्रा ही तो करती है, गेंद क्या करती है? यात्रा करती है बच्चों, ठीक है। जल्दी से देखो लाइव इसका शुभंकर है। अल बायत स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ, लुसैल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। कहां? लुसैल में बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ इज ऑल इसका मोटो है। फुटबॉल गेंद का नाम है अल रिहला। क्या गेंद का नाम है बच्चों? अल रिहला फुटबॉल गेंद का नाम है। विजेता टीम को जो पैसे मिले $42 मिलियन और उपविजेता को $30 मिलियन, यानी कि जो अर्जेंटीना को मिले होंगे बच्चों $42 मिलियन और ये जो है उपविजेता नहीं फ्रांस को मिले $30 मिलियन बच्चों। कितने? $30 मिलियन, याद रखना है। अल रिहला गेंद का नाम है, याद रखना है। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष, याद रखना है। ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय, याद रखना है बच्चों, ठीक है। अल बायत स्टेडियम क्या है बच्चों? पहला मैच हुआ। लुसैल स्टेडियम लास्ट मैच हुआ, है ना। नाउ इज ऑल इसका आदर्श वाक्य है। सारी की सारी चीजें याद रखनी है। विजेता अर्जेंटीना, फ्रांस उपविजेता। अर्जेंटीना ने कौन सा खिताब ये जीता है, कौन से नंबर का? अर्जेंटीना ने सबसे पहले 1978 में, फिर 1986 में और तीसरा जीता है 2022 में। अर्जेंटीना ने 3 बार ये खिताब जीता हुआ है। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो ब्राजील ने जीता है बच्चों। किसने सबसे ज्यादा की बात करोगे आप तो? ब्राजील ने जीता है। किसने? ब्राजील ने। गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है उस खिलाड़ी को, गोल्डन बूट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने सबसे ज्यादा गोल किए हो। तो ये किलियन एम्बाप्पे है ना बच्चों। किलियन एम्बाप्पे नाम से भी आ जाता है कभी, एम्बाप्पे जैसे भी आपको वहां पे मिले, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में ये जो एक ही अंग्रेजी नहीं है, एम से शुरू है नाम। तो फ्रांस के हैं किलियन एम्बाप्पे, जिन्होंने 8 गोल किए बच्चों, जिन्हें गोल्डन बूट दिया गया। गोल्डन बूट के बाद यानी सबसे ज्यादा गोल करने वाले को। जो दूसरे नंबर पे गोल करता है ना उसको मिलता है सिल्वर बूट। और सिल्वर बूट मिला था लियोनेल मेसी को। किसको मिला था बच्चों? लियोनेल मेसी को मिला था सिल्वर बूट। किसे मिला था? लियोनेल मेसी को मिला था। देखना है आपको, ठीक है। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 32 टीमों ने। कितने मैच खेले गए? 64 खेले गए बच्चों, है ना। पहला मैच किन देशों के बीच खेला गया? कतर और इक्वाडोर के बीच में, कतर और इक्वाडोर के बीच में बच्चों, ठीक है। और उद्घाटन कहां हुआ? अल बायत स्टेडियम में। कहां? अल बायत में बच्चों। फाइनल कहां हुआ? फाइनल हुआ लुसैल स्टेडियम में। कहां? लुसैल स्टेडियम में बच्चों। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी फीफा की हिस्ट्री में, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी जो फाइनल मैच खेला था, जो फाइनल मैच खेला था, उस फाइनल मैच को खेलने के बाद सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी। कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। 26 मैच उनके हो गए हैं। जल्दी देखो अब तक 2 बार गोल्डन बॉल, आपको पता है इस बार गोल्डन बॉल किसको दिया जाता है? गोल्डन बॉल दिया जाता है बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है बच्चों गोल्डन बॉल। और इस बार गोल्डन बॉल जीतने वाले दूसरी बार बन गए बच्चों कौन? मेसी। यानी पहले खिलाड़ी इतिहास के जिन्हें फीफा में वर्ल्ड कप में 2 बार गोल्डन बॉल मिला है। 2 बार गोल्डन बॉल मिला है, आज तक किसी और खिलाड़ी को नहीं मिला। सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भी मेसी बन गए, 26 मैच हो गए इनके, ठीक है। तो गोल्डन बॉल इनको 2014 में मिला, 22 में मिला, 14 में 22 में, कहा 14 में और 22 में 2 जगह इनको गोल्डन बॉल मिला है बच्चों, ठीक है। वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किसने जीता बच्चों? ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार जीता हुआ है। किसने? ब्राजील ने वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार जीता हुआ है बच्चों। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी थे बच्चों, लियोनेल मेसी। फ्रांस के कप्तान कौन थे? ह्यूगो लॉरिस। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि भाई दोनों फाइनल की टीम है, तो ह्यूगो लॉरिस थे। कौन थे? ह्यूगो लॉरिस फ्रांस के कप्तान थे बच्चों, ठीक है। अन्य विजेताओं के नाम देख लो एक बार। देखो गोल्डन बॉल पुरस्कार मेसी को मिला और गोल्डन बूट किसे मिला? एम्बाप्पे को। गोल्डन बॉल किसको मिला बच्चों? सबसे बढ़िया प्लेयर मेसी को मिला और जो गोल्डन बूट यानी सबसे ज्यादा गोल एम्बाप्पे को। अब सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर बॉल का मतलब होता है जो बढ़िया प्लेयर में दूसरे नंबर पर रहा हो तो वो एम्बाप्पे को मिला है और सिल्वर बूट किसे मिला है? मेसी को। यानी यहां ये बदल गए। देखो गोल्डन बॉल पुरस्कार और गोल्डन बूट पुरस्कार आपको याद हो गए, याद। गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्बाप्पे को। अब अगर सिल्वर बॉल आएगी तो ये वाले को मिलेगी यानी कि किलियन एम्बाप्पे को, और सिल्वर बूट आएगा तो इस वाले को मिलेगा। यानी क्रॉस चेक, सिल्वर में क्रॉस कर देना बस उनको। सिल्वर में क्रॉस, गोल्डन आपको याद है बॉल भी और बूट भी। जो सिल्वर बॉल है सिल्वर बूट है ना, तो बस उनको क्रॉस कर देना, याद रहेगा ना। चलो बच्चों अब आता है गोल्डन ग्लव्स। गोल्डन ग्लव्स किसे दिया जाता है बच्चों? जो सबसे बेहतरीन गोलकीपर रहा हो, क्योंकि गोलकीपर का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं, एमिलियानो मार्टिनेज, उन्हें मिला गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, ठीक है। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड उन्हें मिला है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले माने जो टीम साफ सुथरा खेल दिखाती है उसे मिलता है। इंग्लैंड को दिया गया। किसको? इंग्लैंड को दिया गया। और तीसरा और चौथा स्थान था क्रोएशिया का, तीसरा और मोरक्को का चौथा। मोरक्को का बच्चों चौथा। कभी कभी पूछता पूछता है, ये भी ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता है। जल्दी से एक बार रिवीजन कर जाते हैं बच्चों, देखो जल्दी से रिवीजन कर जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन बच्चों इसका नाम रहेगा, ठीक है। चलो, मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो, उसके अध्यक्ष है। पहली बार कब खेला गया? 1930 में खेला गया, ठीक है बच्चों। उरुग्वे में हुआ पहली बार, कहां पे? उरुग्वे में। फीफा वर्ल्ड कप 1930 के विजेता भी कौन थे? उरुग्वे की टीम ही थी, हुआ भी वही था। कितने साल में खेला जाता है? 4 साल के अंतराल पे। तो पिछले बार कब खेला गया होगा? 2018 में। 18 में आयोजन स्थल कौन सा था? रूस था। इस बार कतर। 18 में रूस, इस बार कतर। 18 में फ्रांस ने जीता था, इस बार फ्रांस दूसरे नंबर पे रहा। किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे बच्चों। और अगला कहां होगा 2026 का? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला फीफा वर्ल्ड कप 2022 से आयोजन स्थल है बच्चों कहां पे? कतर में। आयोजन स्थल कहां पर है जल्दी बताओ। तो ये इसका 2022 का कतर में था।